मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 351 पर। वहीं लगभग 120 के करीब मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले 28 मई का जो कोरोना अपडेट पहुंचाया था उसमें हमने जो आंकड़े लिखे थे उसमें कुछ गलती हुई थी, इसके लिए कहने में गलती हुई है। 334 का आंकड़ा था कुल, जो हमने गलती से 234 कह दिया, जिसके लिए हमें खेद है। और हम समझते हैं कि हमारे व्यूवर्स इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी असावधानी के कारण ऐसी छोटी मोटी चूक हो जाती है। बहरहाल हम लौटते हैं 30 मई को, हम 29 मई तक का जो कोरोना अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। पहले मनपा का स्वास्थ्य विभाग जो हेल्थ बुलेटिन जारी करता था उसमें इलाके के साथ और मेल फीमेल उम्र के साथ वो पूरा डाटा आता था। अब पिछले एक सप्ताह से लगभग हेल्थ बुलेटिन में ये डाटा देना मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ आज के हेल्थ बुलेटिन के साथ जो समरी रिपोर्ट आया है उसमें पिछले आंकड़े एक दिन पहले का आंकड़ा मिला करके टोटल का नया आंकड़ा उसमें जोड़ करके फाइनल फिगर उस डेट तक की दी जाती थी, यानी 28-29 मिला करके ये फिगर जो दी जानी चाहिए थी। तो 29 तारीख से जो समरी रिपोर्ट दिया जा रहा है अब वो सिर्फ पर डे के मरीजों का, यानी प्रतिदिन जो मरीज पाए गए हैं वैसा समरी रिपोर्ट देना शुरू किया है। वो कैसा है वो समरी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 29 मई को मुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों से 17 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और अलग अलग इलाकों में कई इमारतें कई मकान सील किए गए हैं तो कुछ इमारतों के सील खोले भी गए हैं। इस आंकड़े के साथ हम जो सील किए गए इलाके आपको बताएंगे, इमारतें बताएंगे, आपको उससे अंदाजा लगाना है कि इन इलाकों से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जैसे चांदनगर में कंधारी बिल्डिंग सील की गई है, चांदनगर में सानिया हाइट बिल्डिंग सील की गई है, किस्मत कॉलोनी में मेहताब मंजिल नामक इमारत सील की गई है, तनवर नगर में हुमा कॉम्प्लेक्स है जिसका गेट टूटा हुआ है, मनपा अब वहां बैरिकेडिंग करेगी। न्यू नशेमन ई विंग तनवर नगर के सामने, यहां पर सील किया गया है। कौसा खड़ी मशीन रोड भीमनगर में जो मरीज है उसका मकान बैरिकेड किया जाएगा। एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स में फिरदोस ए विंग सील की गई है। गुलाब पार्क में बिल्डिंग नंबर 7 सील की गई है। दरगाह कब्रस्तान जो है अमृत नगर में, वहां पर साई प्रसाद चाल है, उस साई प्रसाद चाल में बैरिकेडिंग की जानी है। शिवाजी नगर में विद्या निवास है उसको बैरिकेड किया जाना है। वहीं संजय नगर स्थित रहनुमा कॉम्प्लेक्स में सी विंग सील की गई है। दत्तुवाड़ी में साई बिल्डिंग सील की गई है। शैलेश नगर जो मुमरा ब्रिज से लग करके है वहां पर शैलेश नगर में बिल्डिंग नंबर 2 और बिल्डिंग नंबर 31 सील की गई है। तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा कौसा में राउत अपार्टमेंट में 7 मरीज, जो तकरीबन 120 का आंकड़ा है, ठीक होकर के जो टोटल ये मरीज लौटे हैं उनमें 7 मरीज जो हैं ये 29 मई को वापस लौटे हैं, जिसके चलते अब इस इमारत की जो है सील मनपा ने खोल दी है। इस अवसर पर इस इमारत के निवासियों ने और मुमरा प्रभाग के अध्यक्ष अश्विन राउत ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही सिटी पैलेस नामक इमारत की भी सील खोल दी गई है। तो अब कौसा मुमरा में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 351 है, लगभग 120 मरीज ठीक होकर के वापस लौटे हैं, 20 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। तो कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 211 अभी बचा हुआ है। ये था आज का हमारा कोरोना अपडेट, जल्दी हाजिर होंगे हम अपने अगले कोरोना अपडेट के साथ। आदेशचा पालन केला आमच्या हिसाबी आम्ही निवडलं इकडून बरोबर जो तुमचा जो होता तो आम्ही तो प्रोसिजरच्या हिसाबी चाललो इकडे समजलं तर आमचा काम होता तुमचा आदेशचा पालन करणं आम्ही त्या आदेशचा पालन केलं हा हमको जो तुमने जो बोले थे क्या जो 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 लॉक लगा के गए थे इधर क्या जो टाइम पे निकलने का और टाइम पे बंद करने का हम वही हिसाब से चले ना हमने किसी जो जो लोग करते दादागिरी करते अपने हिसाब से चलते वो काम हम लोग नहीं किए हमने जो प्रशासन जो जो तुम्हारा जो है उसका पूरा हम लोग पालन किए इधर और जो आज हमारे जो केस थे
जो भी केस थे हमारे एरिया में, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी केस नहीं रही। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि एकदम क्लियर, हमारा एकदम एरिया क्लियर है। और आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ, दवा पानी नगर परिषद ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने किए, आपका भी बहुत बहुत आभारी हम लोग। मैडम ये कितने दिन के बाद ये लॉक खुला है यहाँ पर और कितने दिनों से ये बंद था? अस्सलामुअलैकुम, 15 दिन के बाद ये लॉक खुला है। आज हमारे यहाँ पे कम से कम 7 पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो है अभी निगेटिव है और सभी अच्छे होके अपने अपने घर पे आ गए हैं। अभी कोई भी यहाँ पे पेशेंट नहीं है, एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ पे कोरोना का। तो और मैं सबसे पहला तो इन सभी लोगों का, मेरे रिश्तेदारों का, भाइयों का और हमारे कौसा मार्केट के जो जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो है हमारे रूल्स को फॉलो किया, हमारे महापालिका के आदेश का जो है पालन किया, जिसकी वजह से आज जो है सभी पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए, उनके घर में कोई बीमार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी ने जो है आदेश का पालन करना चाहिए। पूरा मुमरा कौसा के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? सारे मुमरा कौसा के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने रूल्स को फॉलो किया है, आदेश का पालन किया है, इसी तरीके से आप सभी लोग भी अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम लोग जो है ये कोरोना बीमारी से मुक्त हो जाएंगे।